अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए बनाते हैं बड़ी मज़ेदार सी सुरमई का सालन। केरला स्टाइल में बनाएंगे और ये जो सालन है इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत लजीज बनता है। ये पतला पतला सा होता है, आप इसको फिश रस्सा भी कह सकते हैं, मछली का रस्सा। खट्टा खट्टा सा बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ले लिया है सुरमई, जैसे कि आपको बताया आज बना रहे हैं बिल्कुल भी केरला स्टाइल में हम सुरमई का रस्सा, जिसे बिल्कुल पतला पतला सा बनता है। ये बड़ा मज़ेदार लगता है और ये हम आपको अगर बिल्कुल सही सही बताएं तो हमने अपनी मेड से सीखा था। जिस वक्त हम दुबई में थे उस वक्त हमारे पास एक केरला की जो थी मेड थी और उसने हमें ये बनाना बताया था और बड़ा लजीज बना था। तो यहाँ पे हमने सुरमई ले लिया है, बहुत अच्छी सी सुरमई हमें मिल गई है, बड़े बड़े से पीसेस। तो बस इसे अच्छे से हमने धो लिया है और बहुत से लोग इसे नमक लगा के हल्दी लगा के धोते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस डायरेक्ट पानी से इसे धो लिया है। 3-4 पानी से धोने में इसमें बिल्कुल भी विसान नहीं है। तो ये यहाँ पे हमने तैयार करके रख दिया। अब आपको बता देते हैं कि थोड़े से मसाले हमने जो तैयारी की है वो क्या है। तो तैयारी कुछ यूँ है, यहाँ पर हमने ले लिया है कम से कम 4 टमाटर, क्योंकि जैसा कि आपको बताया बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे। तो जो भी है टमाटर की खटास इसमें बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। यहाँ टमाटर ले लिया है, करी लीव लिया है फ्रेश वाले, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनसे ही सारी खुशबू और जायका आता है। यहाँ पर हमने ये जो है बेड़गी मिर्ची कहें आप, कश्मीरी मिर्ची कहें, जो भी आपके पास दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने ये वाली 3 मिर्ची ले लिया है। यहाँ पर हमने केरला की जो छोटी छोटी सी प्याज आती है वो प्याज लिया है और कम से कम हमने यहाँ पर 7-8 प्याज थी, छोटी छोटी सी थी, उनको हमने यहाँ से चॉप कर लिया है। आप चाहें नॉर्मल वाली जो प्याज है वो प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुशबू में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर हमने ले लिया हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से लीजिए, हमने 5-6 लिया है, बीच में से कट कर लिया है, क्योंकि अगर इसे तेल में डालेंगे तो फिर ये उचकती है, तो आपको थोड़ा सा इसे कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये चीज़ें हो गई, अब आ जाती है एक और चीज़, ये है कोकम। आप हमारे पास ये कोकम है जिसका हमने अच्छे से उसका जो गूदा है निकाल लिया है कोकम का, और ये ले लिया है। आप चाहें तो कोकम की जगह इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली हम इमली ही डालते हैं लेकिन आज हम केरला स्टाइल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कोकम का इस्तेमाल करें। ये तैयारी होगी, चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमने गैस को ऑन कर दिया है, प्यारी सी कढ़ाई को रख दिया है यहाँ पर। अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा क्योंकि फ़िश काफ़ी सारी है, तो हम यहाँ पे 1/2 कप के हिसाब से ऑयल डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कम या ज़्यादा करने की। हम अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल रहे हैं क्योंकि जो फ़िश है ज़्यादा है वो, तो यहाँ पे 1/2 कप हमने डाल दिया। चलिए इसे अच्छे से पहले गर्म होने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो ऑयल है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले थोड़ी सी राई, तो हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब राई। राई को थोड़ा सा चटकने देंगे, तो यहाँ पे जो राई है वो चटर पटर करना शुरू कर दी है राई ने। थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 से कम डाला हमने, 1/4 हमने मेथी दाना डाल दिया, इसे भी थोड़ा सा चटकने देंगे। अच्छी प्यारी सी खुशबू जब आने लगेगी दोनों की, बिल्कुल ज़रा सा 1/4 टीस्पून के करीब डाल देंगे ज़ीरा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। चलिए अब इसमें डाल देते हैं हम प्याज। प्याज के साथ डाल देते हैं बड़ी वाली मिर्च, साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। थोड़ा सा इसे चला लेंगे, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हम आपको क्या बताएं। थोड़ा सा इसे 1 मिनट तक थोड़ा चला लेंगे, लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा पकाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी देर इसे हमने पका लिया प्याज को। इसमें क्या होता है, थोड़ी सी जो कच्ची कच्ची खुशबू होती है ना उसी से जायका आता है, तो इसलिए आपको लाल नहीं करना है। इस वक्त इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी 1-2 हाथ चला लेंगे। अगर आप चाहें ना, हमारे पास पिसा हुआ, इसे हमने पिसा हुआ डाल दिया,
अगर आप चाहें तो जैसे प्याज को चॉप किया है ऐसे आप अदरक लहसुन को भी चॉप करके साथ में डाल दीजिए, फिर आपको पिसा हुआ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने एक दो हाथ चला लिया अदरक लहसुन डालने के बाद, अब इसमें हम डाल देंगे करी लीव्स। करी पत्ते से बहुत प्यारी खुशबू आती है, दिल खोल के डालिए, बड़ा हेल्दी भी होता है ये करी पत्ता। तो हमने डाल दिया यहाँ पे करी पत्ता, थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से डालने के लिए, थोड़ा पक जाएगा और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे तो अच्छी से खुशबू आ जाएगी। इसे भी एक दो हाथ चला लेंगे, तो एक दो हाथ चलाने के बाद इसमें डाल देंगे आप तेज़ वाली रेड चिली पाउडर, ये तेज़ वाला है जो डेली खानों में डलता है। तो ये हमने 2 टीस्पून डाला, और यहाँ पर कलर के लिए डाल रहे हैं हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे प्यारा सा कलर आ जाएगा, और ये तो तेज़ नहीं होता है, फीका होता है, तो ये भी हम डाल रहे हैं भर के 2 टीस्पून। अच्छे से चला लीजिए इसे, अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बहुत कम डालेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब, बस बिल्कुल 1/4, थोड़ी सी डलेगी, क्योंकि जो केरला के जो सालन होते हैं, आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे बेड़गी मिर्ची का इस्तेमाल होता है और बहुत लाल लाल से सालन होते हैं, और ये केरला वाला जो होता है पतला पतला सा मछली का रस्सा, तो ये तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये हो गया, अब इसमें डाल देंगे हम कोकम, आप इमली का पेस्ट हो तो इमली का पेस्ट डाल दीजिए, हम कोकम डाल रहे हैं। तो ये कम से कम 3-4 कोकम थे जिसका हमने ये पेस्ट बना लिया है। अब इसमें चला जाएगा सॉल्ट, आप अपने फिश के मुताबिक डालिए, हम अभी यहाँ पे डाल रहे हैं 1.5 टीस्पून के करीब। चलिए नमक चला गया, अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, अच्छे से चला लेंगे और इसे पकने देंगे जब तक कि अच्छे से नरम ना हो जाए। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद हम 3-4 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अच्छे से जो मसाला है पक गया है और गजब की खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा एकदम आपको मैश नहीं करना है, ये जो होता है रस्सा मछली का रस्सा, इसमें टमाटर दिखते रहते हैं, आप चाहें तो थोड़ा बारीक कर लें, अपनी अपनी मर्जी होती है कैसा कटिंग करना है, और वैसे भी जब थोड़ा भी बॉईल वगैरह होगी करी तो थोड़ा ये नरम हो ही जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये हो गए हैं। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, तो आपको जितना पतला रखना है वैसे पतला होता है, उसमें डाल दीजिए पानी। तो हमने यहाँ 1 गिलास भर के डाल दिया पानी, अच्छे से एक बॉईल आने देते हैं पहले इसमें, यहाँ पर हम इसे कवर कर रहे हैं ताकि जल्दी से एक बॉईल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है माशाल्लाह, और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त, आप थोड़ा सा नमक चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया, और ये कुछ ना कुछ जो इसका जायका होता है रसम जैसे ही होता है कोकम की वजह से। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें फिश, अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस एक बार अच्छे से बॉईल आने देंगे, दो से तीन मिनट पकाएंगे बस, और ये फिश तो बहुत जल्दी ही हो जाती है, गल जाती है, ज्यादा इसमें चमचे भी चलाने की जरूरत नहीं है, हमेशा बीच में से चलाइए इस तरीके से। तो हमने इसमें सारी फिश डाल दिया, तो सारी फिश हमने इसमें डाल दिया है, ज़्यादा आपको यहाँ पे चम्मच नहीं चलाना है,
आपको जो पॉट होता है उसी को पकड़ के ऐसा ऐसा हिला देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमने इसे हिला दिया। अब इस पर हम ऊपर से डाल दे रहे हैं थोड़े से करी पत्ते और इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च हाफ टी स्पून के करीब डाल दिया हमने। और अब जाएगी इसमें मेन चीज और वो मेन चीज है कोकोनट मिल्क। ये आपको ऑलरेडी रेडीमेड भी मिल जाता है कोकोनट मिल्क, या आप घर में जो आपके पास फ्रेश नारियल है उसे पीस के छान लें, या जो नारियल किस होता है सूखा हुआ डेजिकेटेड जिसे कोकोनट कहते हैं उसे भी आप अच्छे से पानी डाल के पीस लें और पीस कर फिर उसे आप छान लें। तो इस तरीके से कोकोनट मिल्क जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए इसे आप कर देते हैं हम कवर, गैस की आंच को कर देते हैं बिल्कुल भी लो और इसे कम से कम 3 मिनट पकने देते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 मिनट हो गए हैं एकदम लो फ्लेम पे पकते हुए। गैस को आप बंद कर देते हैं और इसे इसी तरीके से छोड़ देते हैं ताकि खूब अच्छे से चिकना जो है वो ऊपर आ जाए। बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारी सूरत है और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि सीरत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हमारी जो ये केरला स्टाइल की फ़िश रस्सा है वो बिल्कुल भी तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बस गर्मा गर्म चावल के साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है। कलर भी बहुत प्यारा आया है, बहुत जायकेदार बना है ये। तो लीजिए दोस्तों तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा लजीज बना है, बे इंतहा मज़ेदार है और इतना लाइट फील हो रहा है, मतलब कि देखिए बिल्कुल भी पतला सा है ये, कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, सारी चीज़ों की बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी खुशबू है, चाहे वो करी पत्ता हो, करी लीव हो, चाहे हरी मिर्ची हो, चाहे टमाटर हो, और उसमें नारियल का जो मिल्क डाला है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सौंधापन आ गया है। तो बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।